नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। दोस्तों, मोबाइल में व्हाट्सएप रोजाना यूज करते होंगे डेली बेसिक्स पर। मैं आप सभी को इस वीडियो में व्हाट्सएप में 3 अल्टीमेट सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो आप सभी को जरूर से पता होना ही चाहिए। और यकीन मानिए, उन तीनों ट्रिक को व्हाट्सएप में यूज करने के बाद व्हाट्सएप को यूज करने में आपको बहुत मजा आएगा। इंपॉर्टेंट यूजफुल ट्रिक है। अगर आप जानना चाहते हो व्हाट्सएप में वो 3 अल्टीमेट सीक्रेट ट्रिक क्या है, सब कुछ जानने के लिए जरूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। चलिए ज्यादा टाइम ना दे, वीडियो को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में देखिए छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए व्हाट्सएप ट्रिक। दोस्तों, ये छोटा सा कमेंट लिखकर जरूर से सेंड कर देना। दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में व्हाट्सएप के 3 सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा। तीसरा ट्रिक वीआईपी ट्रिक है, जरूर से तीसरे ट्रिक को देख के जाना। पहला ट्रिक, व्हाट्सएप में चैट करने के साथ ही बहुत सारे फोल्डर मोबाइल में क्रिएट हो जाते हैं। उन फोल्डर में व्हाट्सएप के डेटा होते हैं। मोबाइल के गैलरी में वो फोल्डर शो नहीं करते, उन फोल्डर को ढूंढ भी नहीं सकते। चैटिंग के साथ ही फोल्डर में बहुत सारे व्हाट्सएप के डेटा स्टोर होते हैं, जिस वजह से मोबाइल में स्टोरेज फुल होता है, मोबाइल हैंग करता है, लैग करता है और कई बार व्हाट्सएप भी हैंग कर जाता है और उन फोल्डर को ढूंढ भी नहीं सकते। मोबाइल में एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा उन फोल्डर को ढूंढने के लिए, और एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। मेरे लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ताकि से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सको और ये सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट व्हाट्सएप फोल्डर, सिलेक्ट व्हाट्सएप बिजनेस फोल्डर। अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज करते हो उसके लिए भी ये ट्रिक यूज कर सकते हो। सिलेक्ट व्हाट्सएप फोल्डर यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोल्डर आ जाएगा। नीचे देखिए ऑप्शन है यूज दिस फोल्डर, यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये परमिशन अलाउ कर दीजिए। परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखिए वो सारे व्हाट्सएप के फोल्डर यहाँ पर आ जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ टाइम लगे, क्योंकि अगर आप सालों से यहाँ पर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप के डेटा को क्लीन नहीं कर रहे हो, ऐसे में यहाँ पर ये थोड़ा टाइम ले सकता है। 1 लाख 2 लाख फोटो हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, जो टाइम ले सकता है। पूरे यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप के सारे फोल्डर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि देखिए डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेस, इमेजेस, स्टिकर, वीडियो, स्टेटस, जिप, ऑडियो और यहाँ पर देखिए वॉइस, वॉलपेपर, प्रोफाइल फोटो, ये सारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएंगे। एक ही जगह से आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टेटस, अगर मैं ये स्टेटस के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए ये स्टेटस मैंने कब देखा था, डाउनलोड भी हो गया। आप सभी को पता है व्हाट्सएप में अगर आप कोई स्टेटस देखते हो और अगर कोई आपके पास फोटो वीडियो सेंड करता है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है। सो ऐसे में यहाँ पर ये डेटा स्टोर हो जाता है जो आपके मोबाइल में स्टोरेज काफ़ी लेता है। सो यहाँ से किसी भी फोल्डर से किसी भी डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, बस इस तरीके से सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर ऑप्शन है डिलीट ऑप्शन, और ये डिलीट आइकॉन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके करके इसे डिलीट कर दीजिए और ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंप्लीटली स्कैन कर सकते हो और आपके मोबाइल में ये जो स्टोरेज है वो खाली हो जाएगा और एक ही जगह से ये सारे आप फाइल को ढूंढ सकते हो, सारे फोल्डर को ओपन कर सकते हो और आपका मोबाइल हैंग नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा और स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाएगा। एप्लीकेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो ये था पहला ट्रिक जिससे मोबाइल में स्टोरेज को खाली कर सकते हो, व्हाट्सएप को पूरी तरीके से क्लीन कर सकते हो। अभी बढ़ते हैं सेकेंड ट्रिक। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है आप ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हो, व्हाट्सएप का थोड़ा यूज़ कर रहे हो, उसमें भी काफ़ी इंटरनेट आपका लग रहा है, सो व्हाट्सएप में एक नया अपडेट आ चुका है जिससे आप इंटरनेट डेटा को सेव कर सकते हो। व्हाट्सएप ओपन कीजिए और ये 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। फिर नीचे देखिए ऑप्शन है सेटिंग्स, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है स्टोरेज एंड डाटा, स्टोरेज एंड डाटा के ऊपर क्लिक कीजिए। थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मीडिया अपलोड क्वालिटी और यहाँ पर ये फोटो अपलोड क्वालिटी के ऊपर क्लिक कीजिए और ये यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट ऑटो पे सेट होगा रेकमेंड, यहाँ पर ये ऑटो पे रेकमेंड सेट होगा। ये आपसे ये कहता है ऑटो यूज़ कीजिए ताकि अच्छे क्वालिटी में फ़ोटो वीडियो आपके इंटरनेट के हिसाब से यहाँ पर ये फ़ोटो वीडियो सेंड हो, डाउनलोड हो, ताकि आपका इंटरनेट यूज़ हो और आप रिचार्ज कर रहे हैं। मजा कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बेस्ट क्वालिटी डेटा सेवर, ये नया अपडेट है। यहाँ से आपको इसे डेटा सेवर सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना। ये करने से क्या होगा, देखिए जब भी आप किसी के पास फोटो वीडियो सेंड करोगे, काफ़ी लंबा फोटो वीडियो, काफ़ी एमबी का ये फोटो वीडियो होगा, वो अच्छे क्वालिटी में सेंड होगा, साथ ही डेटा भी सेव होगा।
सो यहाँ से डेटा सेवर करना ताकि जो फोटो वीडियो अगर आप किसी के पास सेंड करोगे वो अच्छी क्वालिटी में सेंड होगा, उसे देखने में भी मजा आएगा और आपका डेटा भी सेव हो जाएगा। अगर आपको इंटरनेट को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे में आप बेस्ट क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप 10 MB का कोई फोटो सेंड कर रहे हो, वीडियो सेंड कर रहे हो, वो 10 MB में ही सेंड होगा ओरिजिनल क्वालिटी में। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा डेटा सेवर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ओके कर दीजिए। फिर ऊपर देखिए ऑप्शन है यूज लेस डेटा फॉर कॉल, इसे जरूर से एनेबल कीजिए। अगर आप वीडियो कॉल में व्हाट्सएप में काफी बातचीत करते हो ऐसे में यहाँ पर ये ऑप्शन अगर आप ऑन करोगे जो वीडियो क्वालिटी होगा वो कम नहीं होगा, लेकिन हाँ आपका डेटा काफी सेव होगा क्योंकि वीडियो कॉल के दौरान इंटरनेट काफी यूज होता है। सो ये सेटिंग जरूर से व्हाट्सएप में करके आप इंटरनेट डेटा को सेव कर सकते हो। सो ये था सेकेंड ट्रिक। अभी बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था VIP ट्रिक होने वाला है। अगर कोई व्हाट्सएप में आपके पास कोई लंबा मैसेज करता है, आपके दोनों हाथ बिजी हैं और आप उस मैसेज को या फिर आप किसी भी काम में बिजी हो, ठीक है, और आप उस मैसेज को खुद पढ़ना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो आपका व्हाट्सएप उस मैसेज को पढ़कर आपको सुनाए, सो ऐसे में ये सेटिंग करना भी पॉसिबल है। अगर कोई भी आपके पास व्हाट्सएप में लंबा चौड़ा मैसेज करता है, आपका व्हाट्सएप आपको उस मैसेज को पढ़कर सुनाएगा। और ये सेटिंग करने के लिए मोबाइल में सेटिंग ओपन कीजिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे आइए और यहाँ से एक्सेसिबिलिटी सेटिंग ओपन करना है। एडिशनल सेटिंग सिलेक्ट कीजिए। एडिशनल सेटिंग के अंदर आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी सिलेक्ट कीजिए। एक्सेसिबिलिटी सिलेक्ट करने के बाद एक्सेसिबिलिटी मेनू यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, एक्सेसिबिलिटी ये ऑप्शन यहाँ से अलाउ कर दीजिए, ओके कीजिए, फिर यहाँ से बैक कीजिए। और देखिए छोटा सा नीचे यहाँ पर ये देखिए आइकन आ जाएगा, देखिए आदमी एक पर्सन जैसा आइकन यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन है विजन, विजन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट टू स्पीक यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये ऑप्शन यहाँ से अलाउ कर दीजिए, ओके कीजिए, बैक कीजिए और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट टू स्पीच आउट यहाँ पर क्लिक कीजिए। लैंग्वेज ऑप्शन है, लैंग्वेज ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज में आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। अगर उसने आपको इंग्लिश में सेंड किया होगा मैसेज वो आपको हिंदी में पढ़ के सुनाएगा, हिंदी में पढ़ के सुनाएगा, जिस भी लैंग्वेज में होगा यहाँ से जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे उसी लैंग्वेज में आपको पढ़कर सुनाएगा। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको किस तरीके से ये करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज किया जो मुझे पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं है। सो यहाँ से आपको ये जो नीचे ये छोटा सा पर्सन जैसा आइकन है, ये पर्सन आइकन के ऊपर एक बार दबाइए, फिर मैसेज के ऊपर एक बार दबा दीजिए। मैसेज के ऊपर दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैसेज पढ़कर सुना रहा है। तो है ना बहुत ही कमाल का ट्रिक जिससे आप ये व्हाट्सएप में कर सकते हो। ये ट्रिक आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्रोम किसी भी ब्राउजर में कर सकते हो। बस यहाँ पर ये आदमी के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए और मैसेज के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए और आपको पढ़कर सुनाएगा। और आपको खुद पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रिक भी आप व्हाट्सएप में यूज कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप में और एक नया अपडेट आ चुका है। अगर आप किसी के चैट को ओपन करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट, पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से व्हाट्सएप में किसी के पास पेमेंट सेंड कर सकते हो। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आपको UPI यहाँ से लिंक करना होगा, फिर व्हाट्सएप में डायरेक्ट किसी के पास भी पेमेंट सेंड कर सकते हो। और एक नया अपडेट आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी के पास व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज, यानी आपके पास कोई वॉइस मैसेज सेंड करता है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी वॉइस मैसेज सेंड करता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए वॉइस में पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अगर कोई आपके पास वॉइस मैसेज सेंड करेगा यहाँ पर क्लिक करके ये वॉइस मैसेज को आप फास्ट फॉरवर्ड करके ये भी प्ले करके सुन सकते हो। सो ये कुछ नए अपडेट थे जो मैं आपको बता दिया और ये नए अपडेट को यूज़ करने के लिए व्हाट्सएप को एक बार ज़रूर से अपडेट कर लीजिए। मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद वीडियो के नीचे लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट को जरूर से मेक श्योर के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।